एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का चिल्ला। तो सूजी का चिल्ला बनाऊँगी तो उसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज कोई ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, तो बस छोटी छोटा सा वीडियो है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करिएगा गाइस, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में जो बेल आइकॉन आती है उसको भी प्रेस करिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए आप लोगों को। तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगी आज, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सूजी का चिल्ला बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कटोरी सूजी लिए है। तो 2 कटोरी सूजी मैं एक बड़े बर्तन में पलट लूँगी, और मैंने 1 छोटी कटोरी दही लिया है। तो दही मेरा खट्टा है तो इसलिए मैंने 1 छोटी कटोरी ही दही लिया है उसका। और अगर आपका दही ताज़ा है तो आप 1 बड़ी कटोरी ले लीजिए, जो जिस कटोरी से नाप रहे हैं उस कटोरी का आधा ले लीजिए। और फिर मैं यहाँ नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लूँगी, और आप लोग भी अपने हिसाब से डालिए, कम या ज़्यादा जैसा खाते हैं वैसे ही डालिए। और फिर मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लूँगी। पानी मैं थोड़ा ही थोड़ा करके डालूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें गुलटियाँ नहीं हो। वैसे सूजी बहुत जल्दी घुल जाती है अच्छे से, इसमें गुलटियाँ ज़्यादा नहीं पड़ती हैं, ज़्यादा चांस नहीं होता है सूजी में पड़ने का गुलटी का। फिर भी आप आराम से डालिए थोड़ा थोड़ा करके, तो अच्छे से घोल बनेगा आपका। और फिर इस घोल को बनाने के बाद इसको करीब 20 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए, ताकि सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए। क्योंकि सूजी अच्छे से फूली रहेगी तो हमारा चिल्ला बनाएंगे जो, तो वो बहुत अच्छा बनेगा। तो ये देखिए मेरा करीब 20 मिनट क्या 30 मिनट हो गया, करीब आधा घंटे बाद मैंने सूजी देखी मेरी अच्छे से फूल गई है। तो आप 20 से 25 से 30 मिनट आराम से अच्छे से जितना ज़्यादा हो छोड़ दीजिए उसे फूलने के लिए। फिर मैंने यहाँ पे लिया है, ये सब्जियों में मैंने टमाटर ली है, हरी मिर्च है, धनिया है, प्याज है, ये लिया है। तो आप सब्जियाँ और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च है, बीन्स है और मटर, इसमें आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत हेल्दी बन जाएगा नाश्ता। आप चाहे तो इसमें हल्दी मत ऐड किए, पर मैंने हल्दी कलर के लिए ऐड कर ली है, अच्छा लगता है थोड़ा सा कलर आएगा। तो फिर मैं अब इसको अच्छे से मिक्स करके, तो मैंने दूसरी तरफ तवा चढ़ा दिया है, इसमें थोड़ा तेल लगा दिया चिकना करके। और ये मैं एक एक कलछी से छोटा छोटा ही बनाऊँगी, क्योंकि बड़ा बनाएंगे तो हमको पलटते समय बहुत दिक्कत होगी। तो छोटा बनाइए आप, पलटते समय दिक्कत नहीं होगी। तो फिर एक साइड जब आपको लगे कि हाँ ये हो गया है, तो फिर बहुत ही आराम से इसको पलटना है। तो बस इस तरह पलट के आपका चिल्ला, सारे इसी तरह मैं बना लूँगी। तो बस मेरा चिल्ला बन गया, बहुत आसान है, बहुत जल्दी नाश्ता बनता है ये। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी है। तो मैं यहाँ पे इसी तरीके से, आप चाहें अगर आपका तवा बड़ा है तो 2 से 3 और भी इसमें घोल डाल के आप ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। तो बस गाइस, आज की वीडियो मेरी ज़्यादा लंबी नहीं है, तो और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए गाइस, क्योंकि भाई आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो आप लोग सपोर्ट करोगे, वैसे आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो, तो फ्रेंड्स अच्छा लगता है आप लोग सपोर्ट करते हो। तो बस भाई, अब मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।